हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज मैं बहुत ही सुंदर डिजाइन लेकर आई हूँ। इस डिजाइन को आप स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, बच्चों के स्वेटर में, किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं। देखिए कितना सुंदर बना है। अब मैं आपको इसको बनाना बताऊंगी, ये कैसे बनाया गया है। इसी के ऊपर स्टार्ट करके दिखाती हूँ कि ये कैसे बनाया है। फर्स्ट रो किस प्रकार से डालनी है ये देखिए। एक फंदा स्लिप करेंगे, टू फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे कीजिए, थ्री फंदे सीधे बुनिए, धागा अपनी तरफ करके फोर फंदे उल्टे बुनिए, धागा पीछे करें, थ्री फंदे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी एक डीपी बनी है। अब ऐसे ही जैसे टू फंदे उल्टे, थ्री फंदे सीधे, टू फंदे उल्टे, तो यहाँ से यहाँ तक एक डीपी बन गई। इसलिए अब फिर से ऐसे ही टू फंदे उल्टे, थ्री फंदे सीधे, फोर फंदे फिर से उल्टे, थ्री फंदे सीधे, टू फंदे उल्टे, वन फंदा स्लिप करने वाला। ये देखिए, इस प्रकार से हमने अपनी फर्स्ट रो डालनी है। टू उल्टे, थ्री सीधे, फोर उल्टे, थ्री सीधे, टू उल्टे पर हमने इसलिए किया है, अगले यहाँ पर हमारी हाफ डिब्बी बनेगी। तो इस तरह से हमें अपनी डिब्बी स्टार्ट करनी है। अब उल्टी साइड ये देखिए कैसे बनाएंगे। उल्टी साइड में हम ये फंदा स्लिप किया, टू फंदे जो यहाँ पर उल्टे हैं उन फंदों को उल्टा किया, और इस ये थ्री फंदे हमारे यहाँ पर सीधे हैं, लेकिन अब हम इनको उल्टा करेंगे। तो पूरी रो हम उल्टी साइड से सीधी बनाएंगे ऐसे। ये देखिए, उल्टी साइड से पूरी रो सीधी बुनेगी जाएगी। जो फंदे हमारे सीधे थे, तीन फंदे, वे भी हम उल्टे बुनेंगे। ये देखिए, अब आगे हम सीधी साइड। अब सीधी साइड में कैसे करेंगे, सीधी साइड में हम जैसे फर्स्ट रो डाली थी उसी प्रकार से बनाएंगे। टू फंदे, थ्री फंदे सीधे, फोर फंदे उल्टे, थ्री फंदे फिर से सीधे, फोर फंदे फिर से उल्टे, थ्री फंदे सीधे, फोर फंदे उल्टे, थ्री फंदे सीधे, टू फंदे उल्टे। ये देखिए, ये हमारी थर्ड रो। जैसे फर्स्ट रो डाली थी उसी प्रकार से हमने अपनी थर्ड रो बनानी है। अब ये रो भी हमारी सेकंड रो की तरह बनेगी, उल्टा उल्टा।
इस तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे। बहुत इजी है और बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसे टू कलर में भी बुन सकते हैं। ये देखिए, उल्टी साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब फिर से हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड में कैसे करेंगे? टू फंदे उल्टे, थ्री फंदे सीधे, फिर से ऐसे ही फोर फंदे उल्टे, थ्री फंदे सीधे, फोर फंदे उल्टे, थ्री फंदे फिर से सीधे, फोर फंदे फिर से उल्टे, थ्री फंदे सीधे, ये टू फंदे उल्टे। ये देखिए, ये देखिए उल्टी साइड से ये सिलाई हमने इसी प्रकार से कंप्लीट की है। उल्टे पर उल्टा, सीधे पर सीधा, फोर फंदे उल्टे और सीधी, थ्री फंदे सीधे। अब से फिर से इसी प्रकार से बनेंगी। ये फोर रो हैं तो इसी प्रकार से बनेंगी। टू रो कंप्लीट हो गई, टू रो और बनाएंगे। थ्री फंदे फिर से सीधे, फोर फंदे फिर से उल्टे। फोर सिलाई हमने नीचे डाली है और फोर ही सिलाई हम अब ऊपर डालेंगे। ये देखिए, थ्री फंदे फोर फंदे, इस प्रकार से आपको फोर सिलाई कंप्लीट करनी है। ये सीधी साइड है, ये कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, अब उल्टी साइड से भी इसी प्रकार से बनाएंगे। टू फंदे सीधे, थ्री फंदे उल्टे, फोर फंदे सीधे, थ्री फंदे उल्टे, फोर फंदे सीधे। ये उल्टी साइड है। ये डिजाइन हमारा दोनों साइड से बनता है। लंबाई आप पत्ती को ज़्यादा भी दे सकते हैं, यहाँ पर आप सिक्स रो भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें फोर रो डाली है। आप अगर बड़ा करना चाहें तो इसमें सिक्स रो डाल सकते हैं। ये देखिए, ये उल्टी साइड कंप्लीट हो गई। अब सीधी साइड, सीधी साइड में कैसे करना है? ये देखिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करें, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे ऐसे, फिर धागा आगे करके ये सेंटर का फंदा जो इसको लेंगे ऐसे, एक लूप लगाएंगे और इस प्रकार से बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे और इस फंदे को इसके साथ अटैच करके इसमें से इस तरह से करेंगे, फिर टू फंदे बीच में उल्टे बुने जाएंगे, धागा पीछे, फिर ऐसे ही एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, दोनों फंदों का एक बनाया, धागा आगे किया, ये सेंटर का फंदा है, एक इस पर लूप लगाई और ऐसे बनाया सीधा, फिर धागा आगे किया,
इस फंदे को इसके साथ लगाकर इस प्रकार से ये देखिए आगे धागा रखते हुए इसको पीछे बुनना है ऐसे। फिर टू फंदे उल्टे बुनने हैं, इन दोनों का भी एक करना है, धागा आगे करके एक लूप लगानी है यहाँ पर, यहाँ भी एक लूप लगानी है। इस सेंटर वाले फंदे के दोनों साइड में हमें जाली डालनी है। जो फंदे हमने घटाए हैं उनको साथ के साथ बढ़ाना है। ये देखिए दो फंदे आगे धागा किया, एक फंदा सीधा बुना, फिर धागा आगे किया और पीछे की तरफ बनाएंगे इसको ऐसे। ये देखिए एक फंदा उल्टा, ये देखिए अब उल्टी साइड में एक फंदा सीधा है इसको सीधा बुनेंगे। यहां पर हम 1 2 3 4 5 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 5 फंदे फिर से उल्टे बुनेंगे। टू फंदे फिर से सीधे बुनेंगे, 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे। इस प्रकार से हमने अपनी पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए अब आगे इसी प्रकार से वन फंदा यहाँ पर उल्टा है तो इसको इसके साथ अटैच करके सीधा बुनेंगे ऐसे। धागा आगे करके इस जाली वाले फंदे पर जाली डालेंगे ऐसे। जहां पर हमने फंदा कम किया है वहीं पर बढ़ाया है। ये बीच के 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे, फिर धागा आगे किया और यहां भी हम एक लूप लगाएंगे। इधर से भी ये देखिए एक फंदा उल्टा है एक फंदा सीधा है, इन दोनों को एक करेंगे ऐसे। फिर धागा आगे किए, ये 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागा फिर से आगे करके इन दोनों फंदों का एक बनाएंगे और इधर से भी इसके साथ अटैच करके इस फंदे को इन दोनों का एक, इन दोनों चैन के मुंह एक साथ ऊपर आ जाएंगे। फिर जाली डाली, ये देखिए 3 फंदे सीधे बुने, फिर जाली डाली, ये देखिए यहाँ भी 3 फंदे हमारे सीधे कंप्लीट हो जाएंगे। धागा आगे किया और ये ये देखिए ये हमारा डिजाइन बनकर तैयार हो गया। अब उल्टी सिलाई जो है हम उल्टा उल्टा कंप्लीट करनी है, नहीं तो न कोई उल्टा डालना है न ही सीधा डालना है। उल्टी सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर से जैसे हमने फर्स्ट रो डाली है उसी प्रकार से आप इसके ऊपर फर्स्ट रो डाल दें। ये देखिए बनकर कितना सुंदर आया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।